ईआरयूसीसी सदस्य द्वारा रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर नगर में रहने वाले असहाय व जरूरतमंदों को खाद्यान्न भी वितरण किया गया। झांसी मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति झांसी के सदस्य एवं जीवन धारा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा आरपीएफ थाना प्रांगण झांसी में आरपीएफ के डिविजनल कमांडेंट उमाकांत तिवारी, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार यादव व अन्य पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी एस के दुबे एवं जीवन धारा फाउंडेशन के सचिव राज आरमन तिवारी की उपस्थिति में असहायों एवं जरूरतमंदों को राशन सामग्री भी वितरित की गई। डीआरयूसीसी सदस्य प्रदीप कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में सभी को सकारात्मक सोच के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस अवसर पर सोम तिवारी, दीपक राठौर, हेमेंद्र चौहान एवं संजीव यादव ने सहयोग किया। आज थाना परिसर में झांसी रेलवे स्टेशन के आरपीएफ थाने पर श्री प्रदीप तिवारी जी डीआरयूसीसी के मेंबर भी हैं, अपने समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से सर्कुलेटिंग एरिया में जो गरीब व्यक्ति हैं, असहाय लोग हैं, उनको इन्होंने राशन, दाल, चावल, आटा इन्होंने वितरित किया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा भी जनहित में ये चीज़ जारी की जा रही है, सहयोग की अपील की जा रही है। उसी के तहत ये श्री तिवारी जी और उनकी संस्था ने जो आज काम किया है बहुत सराहनीय है। ऐसे ही लोग के कार्य से ये देश का नाम रोशन हो रहा है और झांसी का नाम रोशन हो रहा है। मैं जो कि जीवनधारा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ एवं डीआरयूसीसी का मेंबर भी हूँ यहाँ झांसी डिवीजन में, अपने साथीगण क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी श्री एस के दुबे जी, हेमेंद्र परिहार जी, आलोक बिलगैया जी, सोम तिवारी जी एवं दीपक राठौर जी की उपस्थिति में यहाँ जरूरतमंद लोगों को, असहाय लोगों को हम लोगों ने आटा, दाल, चावल वितरित किया। और प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि पुलिस कर्मियों का, चिकित्सकों का और नर्सेज इत्यादि का हम लोग हौसला बढ़ाएं, उनका सम्मान करें, तो यहाँ पर सारे स्टाफ का हम लोगों ने माल्यार्पण करके स्वागत एवं सम्मान किया और इनका हौसला बढ़ाया कि ये लोग कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी राष्ट्र सेवा के रूप में अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ और आगे भी वचनबद्ध हूँ कि किसी प्रकार का मुझे इस तरह का आदेश मिलता है तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीषा ली की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।